नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल साहस होम्योपैथिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिपोमा के बारे में। लिपोमा यानी कि चर्बी की गांठ, इसके कारण, इसके उपचार और इसके कुछ लक्षण। लिपोमा दरअसल चर्बी की गांठें होती हैं। इन गांठों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता और यह गांठें ज्यादातर गर्दन, हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। कुछ लोग इन गांठों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिपोमा और कैंसर की गांठों में सबसे बड़ा फर्क होता है कि लिपोमा की गांठें मुलायम होती हैं, हिलती हैं, जबकि कैंसर की गांठ सख्त होती है, वह हिलती नहीं है। जानते हैं लिपोमा के कारण। लिपोमा की गांठ आपकी त्वचा के अंदरूनी हिस्से में होती है, जो 1 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। इन छोटी गांठों में ना तो कभी दर्द होता है और ना ही ये गांठें कोई भी नुकसान आपको पहुंचाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर लिपोमा की गांठ है तो निश्चिंत रहिए, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और लिपोमा की गांठें खिसकती भी हैं, ये अपनी पोजिशन बदल सकती हैं। जब ये गांठ बड़ी हो जाती है तब ये थोड़ी बुरी सी दिखने लगती है और बस यही एक परेशानी सामने आती है। लिपोमा या चर्बी की गांठ बनने का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया, इसलिए इन गांठों का सही कारण बता पाना बेहद कठिन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोटापे की वजह से ये गांठ होती है, लेकिन लिपोमा का मोटापे से कोई संबंध नहीं है। जानते हैं लिपोमा के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। अगर आपको लिपोमा हो रहा है या आपको चर्बी की गांठें हो रही हैं तो आप एसिड हाइड्रोफ्लोरिन टेनम की 4 पुड़ियाँ बनवा लें। इसको आपको 10-10 मिनट के अंतर से लेना है। इसे आपको सिर्फ एक ही दिन लेना है, इसके बाद इसे नहीं लेना है। और इसके बाद आप दूसरी दवाई स्टार्ट अगले दिन से आप दूसरी दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, कैल्केरिया फ्लोर 6x की 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में और 4 गोली शाम को। इसी तरह साइलेशिया 6x की भी 4 गोली सवेरे, 4 गोली दिन में और 4 गोली शाम को लें। और साथ में कोनियम क्यू की 10 बूंदे सवेरे, 10 बूंदे शाम को लें। इन दवाइयों को लेने से आपको लिपोमा में बेहद फ़ायदा नज़र आएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।